नमस्कार, लक्ष्मी खाना खजाना में आपका स्वागत है। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? होली गई, अब आ गई है गर्मियां, इसलिए अभी हमें कुछ ठंडा ठंडा पीने के लिए बनाना चाहिए। तो आज हम बना रहे हैं शिकंजी मसाला, जो कि एकदम आराम से बन भी जाएगा और उसे आप स्टोर करके 5 से 6 महीने तक रख सकते हो और आराम से कभी भी बना के पी सकते हो। तो चलिए बनाते हैं। इसके लिए लिया है हमने आधा बाउल जीरा, जिसमें हम इसे आधे को सेकेंगे और आधे को कच्चा रखेंगे। एक लिया हमने पैन और गैस को कर दिया ऑन। अब हम इस जीरे में से आधे जीरे को सेक लेते हैं। इसे बहुत ज्यादा काला नहीं करना है, थोड़ा सा ही सेकना है ताकि थोड़ा सा इसका कलर चेंज हो जाए, बस उतना ही। 2 से 3 मिनट तक ही सेकना है। जब इसमें हल्की हल्की खुशबू आने लग जाए तो गैस को बंद कर दें। गैस को रखें लो मीडियम पे, हाई पे नहीं रखें, नहीं तो जीरा जल जाएगा। जीरे की तासीर ठंडी होती है, इसलिए इसे आप गर्मियों में पी सकते हो। जीरे का कलर चेंज होने लग गया है। अब हम गैस को बंद कर देते हैं और इसे थोड़ा ठंडा होने देते हैं। अब लेते हैं हम एक मिक्सी का जार और इसमें इस जीरे को डाल देते हैं। साथ ही हम डालेंगे इसमें जो आधा जीरा हमने कच्चा रखा था उसको। 3 हम डालेंगे इसमें दालचीनी के टुकड़े, 8 से 10 इलायची, 1 चम्मच काली मिर्च, 1 चम्मच सौंफ, 1/2 चम्मच सौंठ पाउडर, 3 चम्मच काला नमक, 1/2 चम्मच नॉर्मल नमक, और इन सबको पीस लेते हैं। ये सारी चीजें अपनी नानी दादी की बनाई हुई है, जो हम आजकल के सब भूल गए हैं कि कैसे बनाते हैं। ये सारी चीजें मिक्स करके हम पीस लेंगे, फिर हम उससे शिकंजी बनाएंगे, जो कि गर्मियों में बहुत ठंडक देती है और हर कोई पीना चाहता है। अब इनको पीस लेते हैं। ये सारी चीजों को हमने पीस लिया है, एकदम अच्छी तरह से सारी चीजें पीस गई है। अब इसे छान लेते हैं। इस मसाले को आप स्टोर करके फ्रिज में 1 साल तक रख सकते हो और बाहर आप 4 से 6 महीने तक रख सकते हो। और आपको एक साथ बना के रख लोगे तो बार बार बनाना भी नहीं पड़ेगा, और गर्मी में शिकंजी जो बाहर मिलती है वो हम अपने घर पे भी बना के पी सकते हैं, वैसे ही मजा आने वाला है। अब इसे पहले हम छान लेते हैं ताकि कोई एक्स्ट्रा कचरा वगैरह हो तो वो निकल जाएगा। कचरा यानी कि इनके जो भी ऊपर के निकलते हैं सौंफ वगैरह के, वो सारे निकल जाए तो हमारे पीने में नहीं आएगा, रेसे वगैरह। ये मसाले को हमने छान लिया है। अब हम एक कांच का जार लेंगे एकदम सूखा अंदर से, और उसमें इसे भर देंगे। जब आपका मन हो तभी आप बना के पिए, पीने में तो टेस्टी है ही और बाहर जाने की भी जरूरत नहीं, आप घर पे भी बना के पी सकते हो। बाहर जैसा टेस्ट घर पे आने वाला है। मसाला हमारा रेडी हो गया है। अब हम आपको शिकंजी बना के दिखाएंगे। ये लिए हमने 2 ग्लास। पहले हम इनमें आधा आधा नींबू निचोड़ देंगे। अब हम इनमें डालेंगे आइस। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1/2 चम्मच मसाला जो हमने बनाया था, और 1 चम्मच पीसी हुई शक्कर। एक में हम पीसी हुई शक्कर ऐड करेंगे और एक में हम शुगर सिरप ऐड करेंगे। शुगर सिरप बनाने की रेसिपी हमने पिछले वाले वीडियो में दी है, जिसमें हमने 3 तरह के शरबत बनाए हैं। उसमें हम इसमें
दो चम्मच शुगर सिरप ऐड कर देंगे। अब एक ग्लास में हम पानी डालेंगे। पहले पानी डाल के इनको मिक्स कर देते हैं और अब हम एक में सोडा वाटर डालेंगे जो कि नॉर्मल है। उसको नीचे से ही डालें, ऊपर से नहीं डालें, नहीं तो झागा होके बाहर निकल जाएगा। और एक में हम नॉर्मल पानी ही डालेंगे। अब हम इनमें ऐड करेंगे थोड़ी सी पुदीने की पत्तियां जो कि इन्हें बहुत अच्छा सा फ्लेवर देगी। पुदीने की पत्तियां तो हाथ से तोड़ के डालें। साथ ही हम लगा देंगे साइड में लेमन जेस। ये हमारी ठंडी ठंडी सी गंजी बनके तैयार। आपको बाहर जाने की कोई जरूरत नहीं, बहुत अच्छी और टेस्टी बनी है। आप घर पे बना के आराम से पी सकते हो और अपनी फैमिली को भी पिला सकते हो। यदि हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जो नए हैं वो सब्सक्राइब करें ताकि आगे का नोटिफिकेशन उनको मिलता रहे।